दोस्तों नमस्कार, स्टडी उमकर चैनल में आप सभी की बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों मैं फिर से आप सबके सामने आज एक नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पर्लवाइन इंटरनेशनल में फ्रेंड्स एक दिन के अंदर 5 लोगों ने अपनी आईडी को रूबी लेवल में अपग्रेड किया। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। सो इसके पहले फ्रेंड्स, अगर अभी आप नए हमारे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएंगे, आपको यहाँ पे ये रैंक इनका रूबी शो कर रहा होगा। सर का नाम है मिर्जा रहमतुल्ला बैग, और इनका मैं बताना चाहूँगा आपको, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे 4 मार्च को 2022 को इन्होंने रूबी रैंक में अपनी आईडी को अपग्रेड किया। बहुत बहुत इनको मैं बधाई देना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पाएंगे ए रवि कुमार जी हैं जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी फ्रेंड्स 4 मार्च को ही अपनी आईडी को रूबी लेवल में अपग्रेड किया है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूँगा, आप यहां पे देख सकते हैं पी अनसुईया मैडम जी हैं जो आंध्र प्रदेश से ही, ये भी बिलोंग करती हैं अनंतपुर से। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स वेंकटेश्वर रेड्डी जी हैं जो आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी 4 मार्च 2022 को रूबी रैंक में फ्रेंड्स अपनी आईडी को अपग्रेड किया है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं के राजू जी हैं, और जिन्होंने 4 मार्च को अपनी आईडी को रूबी रैंक में अपग्रेड किया। तो आपने फ्रेंड्स यहाँ पे देखा, लगभग 5 लोगों ने एक ही दिन में एक ही प्रदेश से बिलोंग करते हैं रूबी रैंक को अचीव कर लिया है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रूबी के अलावा भी यहाँ पे लोग टोपाज, क्वार्टज, ओनिक्स, एमेथिस्ट जितने भी लेवल है सब में धुआंधार लोग लगातार अपनी आईडी को हायर लेवल में अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ही फ्रेंड्स कि इसके पहले भी कंपनी ने लोगों को टाइम दिया था, 31 जनवरी 2022 के पहले बोला था अपनी आईडियों को हायर लेवल में अपग्रेड कर लीजिए। जिन जिन लोगों को समझ में आया फ्रेंड्स, जिसने भी अपनी आईडी को अपग्रेड कर लिया था, उन लोगों को जो 16 फरवरी को ऑटो पूल आया है, दो दो राउंड, एक एक राउंड, तीन तीन राउंड, काफ़ी अच्छा बेनिफिट लोगों को मिला है। और जिन लोगों ने नहीं किया फ्रेंड्स, जिन्होंने रिस्क नहीं लिया, आज वो पछता रहे हैं कि काश हमने भी किया होता तो हमारा भी नॉन वर्किंग ऑटो पूल इनकम अब तक आ गया होता। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ज़िंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते हैं, आपको लिमिटेड मौके मिलते हैं। और कई लोग उसको रिस्क समझते हैं और कई लोग उसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा फ्रेंड्स किसी भी प्लेटफॉर्म में आप चले जाइए, क्योंकि इस तरीके से रोज़ नए प्लेटफॉर्म आते रहते हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो या फिर एल्गो ट्रेडिंग हो। आजकल जैसे आप लोगों को मालूम होगा क्रिप्टो में भी रोबोटिक ट्रेडिंग आ गया है। तो इस तरीके से नए नए प्लेटफॉर्म, नए नए तरीके लोगों के लिए आते रहेंगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप आँख बंद करके किसी भी सिस्टम में जुड़ जाइए, कहीं भी पैसा लगा दीजिए। बट मैं ये बोलूँगा फ्रेंड्स, एक बार जानने की कोशिश ज़रूर करिए, जिस चीज़ को आप करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसके बारे में डीप तक जाइए, एकदम अंदर तक जानकारी इकट्ठा करिए। अगर आपको समझ में आता है उसका प्लान कॉन्सेप्ट तो आप ज्वाइन करिए, किसी का वीडियो देख के किसी के कहने से आप मत करिए। क्योंकि आप प्लान को समझिए, जो आपको वीडियो बना के दिखा रहा है या फिर जो आपको प्लान बता रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर वो गलत बता रहा है फ्रेंड्स, कंपनी 1 रुपये दे रही, वो 2 रुपये बोल रहा हो, तो वहाँ पर उसकी गलती है मैं बोलूँगा। बट अगर कंपनी 1 रुपये दे रही है और 1 ही रुपये वो आपको बता रहा है, तो यहाँ पर उसकी गलती नहीं है, वो एक माध्यम है, उसने आपको प्लान बताया। अब आप जुड़ तो गए, लालच आपका है, लेकिन अगर कल कंपनी भाग जाती, रिस्क उसका है, आप उसके ऊपर ब्लेम करोगे कि उसके कहने पे हमने पैसा लगा दिया। और अगर आ गया तो आप उसको बोलने नहीं जाओगे कि हमने उसके कहने पर लगाया था, इतना मुझे आ गया। तो इसलिए मैं सिंपल यही बोलूँगा कि आप अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करिए, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं उसको देखिए, आपके बजट में आता है और चीज़ें आपको समझ में आती हो तो आप पैसा निवेश करिए। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो मैं ये बोलूँगा लाइफ में आप बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान हमेशा पीछे रह जाता है। ज़िंदगी में कई बार मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, वो सिर्फ सोचता रहता है, और बाद में समय जाने के बाद उसको रियलाइज होता है कि यार काश हमने उस टाइम 2250 रुपये का रिस्क ले लिया होता, या फिर 5000 का रिस्क ले लिया होता, जो भी कॉन्सेप्ट हो जैसा भी। तो समय जाने के बाद सोचने का कोई मतलब नहीं होता फ्रेंड्स, और आगे भी आपके पास इस तरीके से प्लेटफॉर्म आते रहेंगे, अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी, और आप डरते रहेंगे।
तो मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, पहले चीज़ों को समझिए। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप एक रुपये निवेश मत करिए कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अगर चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो उसमें फिर आप समय मत लीजिए। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ में आ जाती हैं, उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, फिर भी पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उतने ही ज़्यादा और पछताते हैं। तो इसलिए अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाती है, आप कैलकुलेशन करिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा सिंपल, मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन क्यों किया था, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमने हमारा रिस्क अमाउंट को हमने कैलकुलेशन किया तो वो था 2250 रुपये का रिस्क, जिसको हमने यहाँ पे ये समझ के निवेश किया कि कल को अगर कुछ हो जाता है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होना, क्योंकि अमाउंट जो था वो बहुत छोटा था 2250 रुपये का। बट हमने रिवार्ड को जब देखा तो रिवार्ड वो बहुत बड़ा था फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 32 लाख रुपये। तो आप सोचिए 2250 रुपये दे के अगर आपको 32 लाख रुपये मिलता है, ऐसा कंपनी का जो कहना है, कंपनी का जो प्लान है, तो रिवार्ड कितना बड़ा है और रिस्क देखिए आप कितना छोटा। तो इसलिए हमने यहाँ पे रिस्क लिया, और इसको आप एक अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। हमने लिया, बहुत सारे लोगों ने लिया, ऐसा नहीं है जिनको समझ में आया, और जो लोग मेरे से काफ़ी पहले जुड़े थे उनको अच्छा खासा यहाँ पे 6-6 राउंड पर लेके आ चुके हैं, 7-7 राउंड आ चुके हैं। तो कंपनी ने लोगों को पैसा भी दिया है, ऐसा भी नहीं है। और जैसा कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि कंपनी पेमेंट पे आउट नहीं दे रही नॉन वर्किंग ऑटो पूल इनकम, तो अभी जो 2020 में लोगों ने जुड़े, जो 2022 में जुड़े, उनको भी नॉन वर्किंग का ऑटो पूल इनकम आ गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कंपनी दे रही है, और मैंने आपको बताया भी कि आपका रिस्क बहुत छोटा है तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, रिवार्ड बहुत बड़ा है। तो आप चीज़ों को समझिए, अगर आपको समझ में आ जाता है फ्रेंड्स तो मैं बोलूँगा बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप पल्लवाइन इंटरनेशनल में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स हमने लिंक दे दिया है जहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको 2250 रुपये मुझे ट्रांसफ़र करना होगा, मैं आपको 30 DP दूंगा, तब आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। और अगर फ्रेंड्स आपको बाहर से डॉलर मिल जाता है, आपके किसी परिचित से या किसी मित्र से, कहीं से भी आपको अरेंज हो जाता है, आप वहाँ से भी डॉलर लेके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9074882222 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।